दिलजीत और निखिल की तलाक के खबरों के बीच अब दिलजीत कौर ने सौतेली माँ के टैग पर अब यहाँ पर रिएक्ट किया है, क्योंकि कई तरह की अटकलें जो है लगाई जा रही थी और ये माना जा रहा था कि शायद शादी टूटने की वजह ये भी हो सकती है। इन सारी चीज़ों पर अब दिलजीत कौर ने चुप्पी तोड़ी है और हमने आपको पहले भी बताया कि दिलजीत के बाद अब जो है निखिल ने अपने इंस्टाग्राम से जितनी भी शादी की तस्वीरें थी वो सब डिलीट कर दी हैं। टेली चक्कर से बातचीत के दौरान जो है दिलजीत ने कहा, पता नहीं यार सौतेली माँ या सौतेला पिता, ये सारा इमोशन बहुत कुछ आता है इसके अंदर। इंटेंशन वाली बात होती है, आप किसी पेरेंट को रिप्लेस तो नहीं कर सकते हैं, ये गलतफहमी किसी को भी नहीं होनी चाहिए। आप अपने इंटेंशन से, आपको लगता है कि इस उम्र में आप ज्वाइन हुए हैं किसी बच्चे की जर्नी में, तो एक इंडिविजुअल के तौर पर, फ्रेंड, गार्जियन, पेरेंट्स के तौर पर आप जो नाम दे दें, आप अपनी तरफ से बेस्ट करें, क्योंकि उस बच्चे की तो कोई गलती कभी थी ही नहीं। तो ये बात जो है दिलजीत ने कही है, तो जाहिर सी बात है कि, और साथ में आगे वो कहती है कि पति और पत्नी के बीच जो कुछ भी हो, बच्चे उसके लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं और बच्चों पर कुछ आना भी नहीं चाहिए। ये सब इंटेंशन के बारे में है, और अगर आप बच्चे के बारे में कुछ अच्छा सोच रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 2023 18 मार्च को इन दोनों की शादी हुई थी, लेकिन अब इस शादी के बीच में जो है खटास आने की खबरें सामने आ रही हैं। निखिल ने भी जो है सारी तस्वीरें जो दिलजीत के साथ थी उन्हें डिलीट कर दिया है, और इससे पहले दिलजीत ने अपने पीछे वो जो पटेल सरनेम था वो भी निकाल दिया था। लेकिन शादी टूटने की कई वजहों के बीच में अब उनसे ये सौतेली माँ के बारे में जब पूछा गया है तो उन्होंने साफ कहा है कि देखिए, आप पेरेंट्स की जगह नहीं ले सकते, लेकिन आपकी इंटेंशन कैसी है, अगर आप एक बड़े जो बच्ची है वो बड़ी है तो उसकी जर्नी में जुड़े हैं इतने साल बाद, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस जर्नी को उसके साथ कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में बच्चों को कभी भी जो है जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। तो आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं।